प्यारो वेलकम टू यूट्यूब चैनल वाई जे ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं दूध सागर और अभी हम पंजिम से थोड़ा सा आगे को आगे हैं पौंडा वाली रोड पे। और जो दूध सागर है वो पंजिम से अप्रॉक्स 70 किलोमीटर है और अगर आप बागा या कैलंगेट से आते हैं तो 12-13 किलोमीटर और एक्स्ट्रा मान लीजिए। वहाँ से आपको पहले पंजिम आना पड़ेगा, फिर वहाँ से पौंडा वाली रोड में, पौंडा से है कम से कम 35 या 40 किलोमीटर आगे। अब हम चलते हैं दूध सागर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं दूध सागर। तो हम लोग को सब हर कोई ये बोल रहा है कि अरे आप स्कूटी से जा रहे हो, इतनी दूर स्कूटी से जा रहे हो, आपको गाड़ी हायर करनी चाहिए थी, आप गाड़ी लेके जाओ। मैंने कहा, हम लोगों ने कहा नहीं यार, एडवेंचर तो इसी में, हम अपने पूरे उत्तराखंड में 300-300 किलोमीटर गाड़ी से बाइक से जाते हैं, तो ये तो सिर्फ 50-60 किलोमीटर है। तो देखिए महाराज जी ने कहा नहीं, हम लोग स्कूटी से जाएंगे, तो हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ऑसम ट्रिप है, अभी 30 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ पर से। जिसने स्कूटी दी होगी वो भी परेशान हो गया बेचारा, हमने कहा रहे यार वहाँ जा रहे हो क्या, हाँ यार वो सोच रहा होगा कि लोकल लोकल में घूमेंगे। मिलेगी अभी कैब अंदर जाने के लिए, मेरा जी लाइन पे लगे हुए हैं इंतज़ार में, लेट हो गए। हाँ ये देखिए यहाँ पर काउंटर, यहाँ पर है, यहाँ से टिकट बुकिंग होगी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम निकल चुके हैं दूध सागर को और दूध सागर यहाँ से 1 आवर का रहने गाड़ी में आते 1 आवर और वहाँ पर हमें 1.5 घंटे रुकने को मिलेगा। यहाँ से आपको टिकट मिल जाएंगे 500 रुपीज़ के, आप 500 रुपीज़ का यहाँ से टिकट लेके पर पर्सन, बच्चों का भी टिकट है 4 ईयर से ऊपर वालों का, तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा फॉरेस्ट एरिया है, रोड थोड़ी ख़राब है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है जाने में। जिस जीप में हम जा रहे हैं इसका किराया 3500 रुपये है अगर आप इसे फुल बुक करते हैं, और अगर आप इसे शेयरिंग में ले जाना चाहते हैं तो 500 पर पर्सन है और 7 लोग ही इसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पर लाइफ जैकेट कंपलसरी है जिसका चार्जेस 40 रुपीज़ पर पर्सन है, और यहाँ पर चेक पोस्ट भी है फॉरेस्ट का जिसका चार्ज 50 रुपीज़ है। दूधसागर वाटरफॉल की पहली झलक। दूधसागर वाटरफॉल मॉलम विलेज में इसका एंट्री का टिकट सब मिलते हैं, 500 रुपीज़ है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। यह है दूधसागर वाटरफॉल का एंट्रेंस। यहाँ पे जो गाड़ियों की पार्किंग है वो पूरी अंदर फुल है, तो इसलिए जो हमारी गाड़ी वाले हैं उनने भी हमको बहुत ही पीछे उतार दिया था, हम वहाँ से पैदल आ रहे हैं।
चलो भैया, तो ये रास्ता है। कोई नीचे से आ रहा होगा ना, तो उससे पूछेंगे कितना आगे हो रहा है। कितना प्यारा, हाँ कितना आगे है यहाँ से? एक्सक्यूज मी, 10 मिनट रास्ता देखो यार भाई, बहुत मस्त रास्ता बनाया है। और ये देखिए, एक ही रास्ता है कि पहुंच गए अपनी मंजिल पे। आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। अब हमको वाटरफॉल ले जा रहे हैं, चलिए। तो यार हम पहुंच चुके हैं दूधसागर, वो सामने दिख रहा है। ओ भाई साहब, और ये देखो यहाँ कितना क्राउड है। ये 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है झरना। इसका पानी अभी वैसे काफ़ी सूख गया है बारिश के टाइम पे, और ज़्यादा ये पूरा जितना ब्लैक दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे पूरा पानी रहता है, तो ये तब बिल्कुल दूध सागर सा लगता है। यहीं पर बोलते हैं कि ये बॉर्डर है कर्नाटक और गोवा का, और जो ट्रेन रुकी थी चेन्नई एक्सप्रेस पे, इसी पे यहीं पर ये पुल था जिस पर ट्रेन रुकी थी। और ये देखिए फाइनली हम पहुँच चुके हैं दूधसागर वाटरफॉल पे, और क्राउड देखो यार कितनी भीड़ है, और रखने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। हमारा अंशु भी तो तैयार हो गया है। वो देखिए फ्रेंड्स, चेन्नई एक्सप्रेस जैसे गई थी वही जा रही है ट्रेन। सब हल्ला मचाने लगे हैं क्योंकि ट्रेन आ गई है। वाओ, ये देखिए फॉल, और ये ऊपर चेन्नई एक्सप्रेस। ये ही देखने के लिए हम वेट कर रहे थे यहाँ पर, और ये हमें देखने को मिल गया। बड़ी चेन्नई एक्सप्रेस नहीं है ये, दूसरी कोई ट्रेन है, वो चेन्नई एक्सप्रेस भी यहीं पर से जाती है। आपको दिख रही होगी ऊपर से जाते हुए ट्रेन, मैंने जूम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये शायद मालगाड़ी जा रही है यहाँ से, एंड दिस इज अ वाटरफॉल। तो इसी के तक हम जा रहे हैं पानी में। एक हाथ से स्विमिंग कर रहे हैं, पानी बहुत गहरा है, और ये देखो पीछे मेरे दूधसागर वाटरफॉल। और भाई तुम्हारा एक ही हाथ से स्विमिंग कर रहा है। मजा आ गया, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं दूधसागर। देख सकते हैं कितना सुंदर वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा है इंडिया का। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखा सकें। और भी गोवा की और भी हमारे ब्लॉग्स आएंगे, तो आप हमें देखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमको आपके सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तभी हम आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो हम आगे आपको और अच्छी चीज़ें ले जाएंगे। ओके यारो,
प्लीज़ सब्सक्राइब YJ ब्लॉग्स।